फ्रेंड्स, टैली में आज का हमारा टॉपिक है कस्टमाइजिंग वाउचर टाइप्स। जो हमारे वाउचर्स टैली में बने होते हैं, आप उनको अपने पास से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इनबिल्ट वाउचर में कौन से हैं, सेल, परचेज, जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट। तो अभी किसी भी वाउचर को मुझे कस्टमाइज करना है तो मैं कैसे करूँगी? सपोज पहले हमें एक अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप एंड ऑल्टर। अब ऑल्टर में सपोज हम कोई भी एक वाउचर ले लेते हैं, जैसे कि जर्नल। अब इसमें देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक इसमें फीचर लिया, प्रोवाइड नरेशंस फॉर ईच लेजर इन वाउचर, इसको यस कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब जब आप इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे F7 में, डेबिट में आपने लिया कोई पार्टी, सपोज मोहन इलेक्ट्रिकल्स 5000। अब आप देख सकते हैं इस इंडिविजुअल लेजर के नीचे हमारे पास क्या है, नरेशन आ रही है। आप इस यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। और ऐसे ही क्रेडिट में हमने ले लिया इधर से लाइक सेल्स, और नीचे इसकी डाल दी कॉमन नरेशन। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक अगर आपके पास डिटेल ज्यादा है, नीचे कॉमन नरेशन में नहीं आ पा रही, तो आप उन्हें इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। कुछ भी आप अपना मैसेज स्पेसिफाई करके नीचे कॉमन नरेशन देके आप उसे कर सकते हैं। इसी तरह से जो कॉमन नरेशन वाला फीचर है वो आप कहीं पे भी यस कर सकते हो, आपके अकाउंटिंग और इन्वेंटरी वाउचर किसी में भी। अब वाउचर टाइप को कस्टमाइज करने का इनवॉइसिंग वाउचर में देख लेते हैं। सपोज हम सेल्स वाउचर में जाते हैं और वहां पे जैसे हमने लास्ट क्या किया था, डिस्काउंट लगाया था टोटल बिल पे, तो अभी हमने उस टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट के साथ कैरेज भी लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे? हमने सेल वाउचर को नहीं करना कस्टमाइज, हमने अपना एक वाउचर बना के उसको करना है। इन्वेंट्री इन्फो एंड अब देखिए जो वाउचर टाइप का ऑप्शन है, पहले मैंने अकाउंट्स इन्फो पे जाके वाउचर टाइप पे गए थे, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है, इन्वेंट्री इन्फो वाउचर टाइप मिलेंगे एक जैसे ही। ये है कि कुछ ऑप्शन होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, दोनों में ही अकाउंटिंग और इन्वेंटरी चलते हैं। आप कोई सा भी ओपन कर लो, सिर्फ डिफरेंस इतना है अकाउंटिंग वाउचर में खुलेंगे पहले, पहला अकाउंटिंग वाला खुलेगा, इधर जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट और ये जो हमारा पीछे रिसेंट यूज हुआ होता है। अदरवाइज आप इसमें इन्वेंटरी भी खोल सकते हैं F9 F8 से, और ऐसे ही इन्वेंटरी वाउचर में पहले नंबर पे आपका इन्वेंटरी खुलता है, और उसके अलावा आप कोई भी ओपन कर सकते हो अकाउंटिंग वाउचर। तो अभी हम आए थे कस्टमाइज करना है वाउचर टाइप इन्वेंटरी का। सपोज हम सेल का कर लेते हैं, इन्वेंटरी इन्फो वाउचर टाइप। एक हमने कल बनाया था सेल विद डिस्काउंट, मैं एक नया क्रिएट कर लेती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी कल का लेक्चर नहीं देखा उनको यहाँ पे पता लग जाएगा, हमारा जो लास्ट था वो था डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस। अभी मैंने क्रिएट किया सेल्स कस्टमाइज्ड करके, अंडर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आप किस तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एक तो देखिए आप ना इसका इनवॉइस नंबर भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इसको ऑप्शन को हम बाद में करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दो ऑप्शन साथ करके। अभी मैं इसको स्किप करती हूँ क्योंकि ये डिफरेंट है। मैं आपको सीधा पहले ये बता रही हूँ कि सेल वाउचर को मैं किस बेस पे कस्टमाइज कर रही हूँ, कि जिसमें हमने कल डिस्काउंट किया था और साथ ही साथ इंक्लूडिंग दैट डिस्काउंट मैं उसमें कैरेज भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे
हमने ले लिया इधर से क्लास में सेल्स विद डिस्काउंट एंड कैरेज। अब इधर से कुछ नहीं लेना, और यहाँ पे जैसे कर लिया था सेल्स और नीचे हमने बनाया डिस्काउंट अलाउड, इसको डिस्काउंट अलाउ को कैसे लिया हमने ऑन टोटल सेल पे जो कि कॉमन था। इस बार मैं ले रही हूँ माइनस 10%। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वो उसके आगे डिडक्ट करेगा। और इसी के साथ कैरेज, जब आप कैरेज है आप उसको कैरेज इसमें चार्ज कर रहे हैं, तो हम इसको ले रहे हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उसके बेस पे निकालेगा पर पीस। ये हमने ले लिया जैसे 20 रुपीज और इसको सेव कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं सेल वाउचर पे, इन्वेंट्री वाउचर्स, प्रेस F8। अब यहाँ से मैंने कौन सा बनाया था वाउचर टाइप? सेल्स कस्टमाइज्ड, प्रेस एंटर। ये कैसे आया फिर से देखेंगे, F8 प्रेस करना है, वाउचर्स पे जाके सिलेक्ट करना है सेल्स कस्टमाइज्ड, और यहाँ से वो क्लास लेनी है सेल्स विद डिस्काउंट एंड कैरेज। अब देखेंगे आपके पास ना ये दो चीजें बनी हुई हैं, डिस्काउंट अलाउड भी आ रहा है और कैरेज भी आ रहा है। रेफरेंस नंबर में बिल नंबर ले लेते हैं, पार्टी नेम कोई सा भी डेटर, सपोज ये मीनू है इसको ले लेते हैं, और यहाँ से अब देखिए वो सेल का लेजर नहीं पूछ रहा, जस्ट बिकॉज हमने सेल के वाउचर को ही कस्टमाइज कर दिया हुआ है, तो इसलिए वो सेल लेजर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जब ये वाउचर बनाया था तो वहां पे हम सेल लेजर ऑटोमेटिकली अलॉट करके आए थे। अब नेम ऑफ आइटम में कोई भी ले लेते हैं, सपोज वेबकैम, एंड इसको हमने 10 पीसेस लिया, रेट 2500 ऑटोमेटिक जो हमारे पिछले सेल रेट पे जा रहा है। अब आप देखेंगे एज पर दिस क्वांटिटी 10 पीसेस 20 रुपीज पर पीस, ये कैरेज अपने आप उसमें ऐड करता जाएगा आपके सेल अमाउंट में, और जो ये डिस्काउंट है ये लेस करता जाएगा। लेस क्यों करना है? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी -10% कन्फिगर किया था। अब सपोज नेक्स्ट आइटम उठा लेते हैं लैपटॉप, इसमें मैंने ले लिए 20 पीसेस। अभी देखो जैसे मैंने एंटर किया ना, एक इसमें नीचे अलर्ट आया था, वो क्या था कि आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव जा रहा है। फिर से करके देखें, यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव स्टॉक 5 पीसेस। तो आप चेक करें आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, हरियाणा में सिर्फ 5 पीसेस पड़े हैं इसके। तो आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है, आप कहाँ पे जहाँ प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है हमारे पास 5 और 1 6 पीसेस का, एंड यू कांट सेल मोर देन 6 पीसेस। तो अभी मैं सिर्फ इसमें से इधर 6 और लेस देन 6 इसको सेल कर सकती हूँ। तो मैंने 5 लिए हरियाणा में से क्वांटिटी में, अब देखें तो हमारा 45,000 पर पीस के अकॉर्डिंग 2,25,000 हो गया, और टोटल सेल कितनी बन गई, 25,000 एंड 225,250। इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, 25,000 लेस, और 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से आपका 300 का कैरेज बन गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 20। तो कैरेज इसमें ऐड हो रहा है, डिस्काउंट इसमें लेस हो रहा है, क्योंकि कैरेज इज द पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो उस कस्टमर को इस बिल के साथ ही हमें पे करना होगा। तो 225,300 हमारा बिल का टोटल आ गया। इस तरह से हमने अपने सेल के वाउचर को कस्टमाइज किया। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं, जो भी मैंने पीछे बीच में स्किप की थी, कि इनवॉइसिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, एडजस्ट करने से पहले जो ये सेल नंबर है, जैसे मैंने F8 प्रेस किया और नॉर्मल सेल निकाली, अब F8 प्रेस करते ही ना आपके पास देखो सेल नहीं आएगा, आपके पास ये 3 आ रहे हैं, जो एक ओरिजिनल सेल है जो टैली का अपना है, और जो 2 ये हैं ये हमारे कस्टमाइज किए हुए हैं। तो हमने ये वाला सेल लिया, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दें कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, सेल्स नंबर 10 रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हमारा बिल कटे तो उसमें हमारी कंपनी का नाम या कोड, जैसे बिल का नंबर होता है ना कंपनी के नाम से एब्रीविएट किया हुआ, एक सीरीज में चलता हुआ, तो उस तरह से हम इसको कंफिगर कर सकते हैं, बजाय के सिर्फ सीरियल नंबर देने के 1 2 3 4।
हम बिल नंबर को कस्टमाइज करते हैं, आपने बिल बुक में देखा होगा कईयों के आगे जैसे लिखा है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, तो L/E/GST/01, तो ये कोड्स होते हैं उनकी कंपनी के नाम से। तो इसी तरह से हम कुछ चीज ऐसे ही कन्फिगर कर लेते हैं। अभी मैंने कंपनी का नाम क्या बनाया है, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 034, तो मैं इसी से ही कुछ लेटर्स निकाल के अपना बिल नंबर कन्फिगर कर लेती हूँ। चलिए इन्वेंट्री इन्फो, अब मैंने आपको बताया आप किसी में भी जा सकते हो, अकाउंटिंग में भी इन्वेंट्री में भी, क्योंकि आपके वाउचर टाइप दोनों में आते हैं। वाउचर टाइप अब भी क्या करते हैं, ऑल्टर पे चले जाते हैं क्योंकि सेल के हमारे बहुत सारे बन गए हैं। ऑल्टर पे जाके सेल्स कस्टमाइज को ही उठा लेते हैं, और यहाँ पे जहाँ आ रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, अभी क्या है ऑटोमेटिक चल रहा है। ऑटोमेटिक का मतलब जो उसके नंबर ऑफ सीरीज है 1 2 3 4 ऑटोमेटिक उठा रहा है। जो अभी हमारा लेटेस्ट कहाँ था, सेल इनवॉइस नंबर 10, यानी कि हम 9 एंट्रीज पोस्ट कर चुके हैं। तो अभी आप इसको या क्या कर सकते हैं, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैनुअल में तो ये कि आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 खुद डाल सकते हैं, और मैनुअल ओवरराइड मतलब कि आपका ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मतलब जो आपका खुद का कंफिगर किया हुआ लेटर्स है और उसके साथ नंबरिंग ऑटोमेटिक चलेगी। तो अभी आप क्या करेंगे, सपोज मैंने मैनुअल लिया, मैनुअल लेके इधर से अब मैनुअल में क्या आएगा, मैंने जैसे सेव कर दिया यहाँ पे, अब मैं सेल वाउचर इसमें से निकालू F8, F8, और मेरा था सेल कस्टमाइज्ड वाला सेल विद डिस्काउंट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंटर रुक रहा है, पहले देखो यहाँ पे नहीं आ रहा था, मैनुअल में कहाँ आ गया, जैसे क्या आ रहा है 10। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल सीरीज 20 या 25 आप अपने आप से डाल सकते हैं मैनुअल बिल नंबर। ओके अभी मैं इसको नॉर्मल वाउचर से चेक करूं, अगर मैं F8 करके ओरिजिनल सेल वाउचर पे जाती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 तो आ रहा है, लेकिन कर्सर हमारा नीचे आ रहा है रेफरेंस नंबर पे, वाउचर नंबर पे नहीं आ रहा। तो आप ये डिफरेंस होता है इसमें, और मैंने कस्टमाइज किसको किया था, F8 इस वाले वाउचर को। तो सेल कस्टमाइज पे जाके सेल विद डिस्काउंट वाले पे जाके अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको चेंज करके अपना दिया हुआ नाम देके ऐसे ही हम अपना पूरे का पूरा बिल काट सकते हैं। अब आते हैं पूरे का पूरा बिल देना, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, जो मैंने आपको बताया था लेटर्स निकाल के कंपनी के उसमें से बिल के नेम को कॉन्फ़िगर करना, इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर टाइप्स एंड ऑल्टर। मैं इसी को ले लेती हूँ सेल्स विद कस्टमाइज पे जाके, और यहाँ से ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अब यहाँ पे देखो एक फीचर आ रहा है इसमें, कौन सा, यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी नंबरिंग दे सकते हैं, जैसे कब से एप्लीकेबल हो रहा है 1/4/19 से स्टार्टिंग नंबरिंग। ये अभी मैं इसको ना करके इन दोनों के ऊपर ध्यान देना, एक है हमारा प्रीफिक्स, एक है हमारा इधर से सुफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, जो बिल नंबर है उससे पहले आप लिख सकते हैं, सुफिक्स में जो बिल नंबर है उसके बाद आपकी सीरीज आएगी। ठीक है, अभी सपोज हमने लिया इधर से एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/19 एंड बिल नंबर इज HSC 01। इसको सेव किया, सेव, अभी हम बिल नंबर पे गए इधर से F8 किया सेल कस्टमाइज्ड। अब देखिए आपके पास ये सीरीज ऑटोमेटिक आ रही है HSC 011 की। अब इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं HSC 01 02, तो ये आपका बिल नंबर इस तरह से कस्टमाइज होके आ गया। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या किया, कस्टमाइजिंग सेल्स वाउचर, जिसको आप जिसमें हमने नरेशंस की थी, नरेशन आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल नंबर कर सकते हैं, कैरेज कर सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से आप उनको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।